हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? क्या आप भी बोर हो चुके हो आलू के और प्याज के और गोभी के परांठे खा खा के? मैं भी बहुत बोर हो चुकी हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर के परांठे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या टेक्निक है इसे बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 से 2 प्याज बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्ची बारीक काट ली है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच मुझे चाहिए और नमक मुझे 1 चम्मच चाहिए और 250 से 300 ग्राम मुझे पनीर चाहिए। एक कपड़ा या कोई भी पोना आपके घर में हो आप उसे लेकर पहले पनीर को अच्छे से सुखा लीजिए। पनीर के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर पानी रहेगा तो आपका परौंठा फट जाएगा। इस तरह के कोई भी आप ग्रेटर ले लीजिए या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा इक्वली पनीर जो है घिसता है और परांठे में जब हम फिलिंग करते हैं तो परांठे बहुत अच्छे बनते हैं। पनीर मैंने पूरा घिस के रख लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज, हरी मिर्ची, लाल मिर्च का पाउडर और नमक को हम मिक्स कर लेंगे। नमक हमने तभी मिक्स करना है जब हम परांठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। पहले हमको नमक मिक्स करके मसाला बना के नहीं रखना है, नहीं तो पूरा का पूरा पनीर जो है वो पानी छोड़ देगा और परांठे फट जाएंगे। यही है सीक्रेट पनीर के अच्छे परांठे बनाने का। धनिया पत्तियाँ मैंने डाल दी है, अच्छे से आप इसको मिक्स कर लो, इक्वली मिक्स कर लो। हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत हार्ड हाथ से इसको मिक्स नहीं करना है। अब आप एक ऐसे छोटा सा कोई भी गोला ले लो पर आटे का इस तरीके के साथ। ये प्रोसेस आप देखो मैं किस तरीके के साथ कर रही हूँ। हल्का सा आप इसको डस्ट कर लो सूखे आटे के साथ, हल्का सा हम इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरीके का जितना मैंने बेला है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। आप ये देख रहे हो इसके अंदर थिकनेस कितनी है, इक्वली थिकनेस है। अब आप इसके अंदर फिलिंग कर लो, फिलिंग को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे हम तभी अच्छे बनते हैं परांठे इस तरीके के साथ। आप हाथ से फिल करना चाहो उससे भी फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है स्पून से ही फीड करना है आपको। इस तरीके के साथ आप इसको जैसे हम कचौड़ी को फोल्ड करते हैं या फिर मोमोज किसी ने बनाया है उसको आपने फोल्ड किया है उस तरीके के साथ। वैसे तो परांठे सभी बनाते हैं, आलू के परांठे को जैसे हम फिल करते हैं मतलब बंद करते हैं उसी तरीके के साथ इसको बंद करना है हमने। और जो ऊपर से एक्स्ट्रा आटा आया था वो मैंने हटा दिया है। ये हमारा राउंड बोल रेडी है बेलने के लिए। इसको हमने हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा टाइट हाथ से बेलेंगे तो पनीर निकल सकता है बाहर। इस तरीके के साथ अगर आप कर सकते हो पहले इसको हाथ से आप जितना राउंड कर सकते हो आप कर लीजिए, अगर नहीं तो सीधा बेलने से भी बेल सकते हो आप। अभी मैं हल्के हाथ से ही बेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाथ मतलब तेज़ से अगर करूँगी तो ये फट जाएगा। दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है अपना, अब ये डायरेक्ट जाएगा तवे के ऊपर इस तरीके के साथ। अब आप इसको घी से सेक लीजिए या बटर से सेकना चाहो बटर से, मैं घी से ही सेकती रही हूँ उसको। मीडियम टू हाई फ्लेम पे परांठा सेकेगा, सिम फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं तो ये हार्ड हार्ड सा ही बनेगा, बहुत अच्छा नहीं बनेगा, इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा अगर आप सिम फ्लेम पे परांठे को सेकोगे तो। मीडियम टू हाई फ्लेम, एक तरफ घी लगाना चाहो आप एक तरफ लगा लो, दोनों तरफ लगाना चाहो दोनों तरफ लगा लो। ये परांठा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, अब आप इंजॉय कर सकते हो अपना पनीर का परांठा। बिल्कुल भी फटा नहीं है ये कहीं से, बहुत ही बढ़िया बनता है इस टेक्निक से बनाएंगे तो। हमारे पनीर के परांठे हो चुके हैं रेडी। अब आप भी अपने घर में बनाइए, ट्राई करिए और बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अब मिलेंगे एक नए दिन नई रेसिपी के साथ। ऐसी कोई रेसिपी जो आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।